हेलो पिलामाने, अष्टम श्रेणीर ज्यामिति शिक्षादान को तुम मानू स्वागत। पिलामाने, आमे पूर्वरु सरल रेखा, रश्मि, रेखाखंड, उत्तल सेट आदि विषय रे जानिथिले। चलो आज आमे कोण विषय रे जानिबा। कोण एहा को इंग्रजी रे एंगल कहा जाए। तीनोटी पृथक बिंदु ए बी ओ सी एक सरल रेखा रे अवस्थित न हुवंती तेबे बीए रश्मि और बी सी रश्मि द्वयर संयोग बा यूनियन को गोटे कोण कहा जाए। पिला माने देख, तीनोटी पृथक बिंदु ए बी ओ सी एही तीनोटी बिंदु द्वारा दुईटी रश्मि सृष्टि हुए। बीए रश्मि ओ बी सी रश्मि एही बीए रश्मि ओ बी सी रश्मि द्वारा कोण ए बी सी बा एंगल ए बी सी सृष्टि हुए। एहाकु एंगल ए बी सी संकेत द्वारा लिखा जाए ओ ए बी सी कोण बोली पढ़ा जाए। सेट परिभाषा रे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बीए रश्मि यूनियन बी सी रश्मि, अर्थात बीए रश्मि ओ बी सी रश्मिर संयोग रे एंगल ए बी सी कोण सृष्टि होइछि। ए बी ओ सी तीनोटी नैकरेखी बिंदु एक निर्दिष्ट समतल ए बी सी रे अवस्थित हेले एंगल ए बी सी मध्य ए बी सी समतल रे अवस्थित। बी बिंदु को एंगल ए बी सी रो शीर्ष बिंदु बोली कुहा जाए। बीए रश्मि ओ बी सी रश्मि द्वय को एंगल ए बी सी रो दुईटी बाहु कुहा जाए। वर्तमान देख कितोटी प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा। पी क्यू आर तीनोटी नैकरेखी बिंदु हेले क्यू पी ओ क्यू आर रश्मि द्वयर संयोगर ज्यामितिक चित्रटी कौन हेबो? देखो पिला माने, पी क्यू ओ आर एही तीनोटी नैकरेखी बिंदु, एही तीनोटी बिंदु द्वारा क्यू पी रश्मि ओ क्यू आर रश्मि सृष्टि हेला। वर्तमान क्यू पी रश्मि ओ क्यू आर रश्मिर संयोगर ज्यामितिक चित्रटी हेला एंगल पी क्यू आर बा पी क्यू आर कोण बोली आमे कही परिबा। द्वितीय प्रश्न, एंगल पी क्यू आर शीर्ष बिंदु किए? पिला माने, एंगल पी क्यू आर शीर्ष बिंदु किए कहिलो? ठीक कहिलो, क्यू होची एंगल पी क्यू आर रो शीर्ष बिंदु। वर्तमान तृतीय प्रश्न, एंगल पी क्यू आर रो केतोटी बाहु अछंती ओ सेमानकर नाम कोण? एही चित्र को देखी पिला माने कहिलो एंगल पी क्यू आर रो केतोटी बाहु अछंती? ठीक कहिलो, दुईटी बाहु, एंगल पी क्यू आर रो दुईटी बाहु अछंती। ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାହୁଦ୍ୱୟର ନାମ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ସେ ବାହୁଦ୍ୱୟର ନାମ କ'ଣ? ଠିକ୍ କହିଲ, କ୍ୟୁ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଆର୍। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁ ପି ରଶ୍ମି ଓ କ୍ୟୁ ଆର୍ ରଶ୍ମି ହେଉଛି এই এঙ্গেল পি কিউ আর দুইটি বাহু। পিলা মানে বর্তমান আমি কোণর অন্তর্দেশ ও বহির্দেশ কোণ জানিবা, বা ইংরেজিরে ইন্টেরিয়র এন্ড এক্সটেরিয়র অফ এন এঙ্গেল। এঙ্গেল এ বি সি দেখ পিলা মানে, এঙ্গেল এ বি সি সমতলরে অবস্থিত। এই সমতলরে যেউ সবু বিন্দু বি সি র এ পার্শ্বরে রহিছন্তি আউ বি এ রশ্মির
सी पार्श्वरे रही बिंदु मानू एंगल ए बी सी अंतस्थ बिंदु कह जाए। पाने देख यही भितर जो बिंदु गुड़िक अच्छी से गुड़िक एंगल ए बी सी अंतस्थ बिंदु कोणर अंतस्थ बिंदु मानू नहीं गठित सेट को कोणर अंतर्देश कह जाए। अर्थात कोण भितर जो सब बिंदु अच्छी से बिंदु मानकर सेट को कोणर अंतर्देश कह जाए। एठारे देख पी बिंदुटी होची एंगल ए बी सी रो एक अंतस्थ बिंदु जो बिंदु गुड़िक बीए रश्मि और बी सी रश्मि उपरे अवस्थित से मानंकु एंगल ए बी सी रो उपरिस्थ बिंदु कह जाए। एठारे क्यू बिंदुटी एक उपरिस्थ बिंदु और ए बी सी मध्य उपरिस्थ बिंदु होई पारिबो। ए बी सी समतल जो सब बिंदु एंगल ए बी सी रो अंतस्थ किंबा उपरिस्थ नुहंती से ही बिंदु मानंकु एंगल ए बी सी रो बहिस्थ बिंदु कुहा जाए। एठारे आर बिंदुटी एंगल ए बी सी रो एक बहिस्थ बिंदु एंगल ए बी सी रो बहिस्थ बिंदु मानंकु नै गठित सेट को एंगल ए बी सी रो बहिर्देश कुहा जाए। पिला माने अंतर्देश कौन बहिर्देश कौन उपरिस्थ बिंदु मानू तुम मैंने जान लो। वर्तमान गोटे प्रश्नर उत्तर दबा पार्श्वस्थ चित्र को देखी ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड बिंदु मानक मध्यरु एंगल ए बी सी रो उपरिस्थ अंतर्देशस्थ और बहिर्देशस्थ बिंदु गुड़िकर नाम निम्न सारण रे पूर्ण कर। वर्तमान आम प्रथम एही चित्र रे बिंदु गुड़ी को स्थापन करिबा। देख पिला माने ठीक बिंदु नेली एला ए आ गोटे बिंदु नेली बी आ गोटे बिंदु नेली तार नाम होला सी। वर्तमान एल एम एन ओ एक्स वाई जेड बिंदु को आमे एठी स्थापन करिबा। एठी एक बिंदु नेली तार नाम होला एल एठी आउ एक बिंदु नेली तार नाम होला एम। वर्तमान एठी एक बिंदु नेली तार नाम होला एन। वर्तमान एठी आउ एक बिंदु नेली तार नाम होला एक्स। आउ एक बिंदु वाई एठी आउ एक बिंदु जेड। वर्तमान आमे सारणी रे एही बिंदु गुड़ी को लेखिबा। एंगल ए बी सी रो उपरिस्थ बिंदु गुड़ी करो नाम कहिलो पिला माने ठीक कहिलो। एंगल ए बी सी रो उपरिस्थ बिंदु हला ए बी सी एम आउ वाई। वर्तमान अंतर्देशस्थ बिंदु गुड़िकर नाम कहिल ठीक कहिल पिला माने एल आउ एन। वर्तमान बहिर्देशस्थ बिंदु गुड़िकर नाम कहिल ठीक कहिल जेड एक्स। वर्तमान तुम्हें माने जानी पारलो उपरिस्थ बिंदु अंतर्देशस्थ बिंदु आउ बहिर्देशस्थ बिंदु को मध्य जानी पारलो। पिला माने वर्तमान किछि जिनिस आमे मने रखिबा कोणर अंतर्देश एक उत्तल सेट किंतु बहिर्देश नुहे कोण निजे उत्तल सेट नुहे। एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी रो अंतर्देश ओ एंगल ए बी सी रो बहिर्देश एही तीनोटी सेट परस्पर अणछेदी अर्थात सेमानक मध्यरे कोनोसी साधारण बिंदु नाही। वर्तमान पिला माने आमे कोणर माप कोण जानिबा।
पिला माने एहाकु तुमे आगरु देखिछ कोन कहिलो एटा एटा होछि एक प्रोट्रैक्टर पिला माने प्रोट्रैक्टर को तुमे केउति पई व्यवहार करो ठीक कहिलो प्रोट्रैक्टर को तुमे कोन माप करिया पई व्यवहार करो प्रोट्रैक्टर को आउ केउ जिनिस पई व्यवहार करो प्रोट्रैक्टर को तुमे अंकन करिबा पई मध्य व्यवहार करो एही प्रोट्रैक्टर रे देख पिला माने एठु शून्य रु 180 डिग्री अछि एठी मध्य शून्य रु 180 डिग्री रहिछि वर्तमान आमे एको कोण अंकन करिबा आउ ताको माप करिबा पिला माने देख मु एको कोण अंकन कलि एही कोण को आमे किपरि मापिबा एही कोणटी डाहाण पटे अछि आमे शून्य रु हेगु मापिबा शून्य रु मापिले हे केते हेबो एहा हेबो 60 डिग्री ताहाले एंगल ए बी सी रो परिमाण 60 डिग्री हेला वर्तमान आमे आउ एक कोण अंकन करिबा देख पिला माने एहा आउची ए बी डी कोण एही कोण टी को वर्तमान आमे किपरि माप करिबा एही कोण टी बाम पटे अछि आमे एपटे बाम पटे शून्य रु देखिबा केते हेउछि या देख पिला माने शून्य रु एहा देखिले केते हेउछि एहा हेउछि 120 डिग्री वर्तमान एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 120 डिग्री तुम्हें माने जानी पारलो कोण किपरि माप करा जाए एम एंगल ए बी सी हेउछि एंगल ए बी सी कोण रो परिमाण कोणर परिमाण जानिबा पई आमे प्रोट्रैक्टर व्यवहार करू कोणर माप संबंध रे आउ किछि तथ्य आमे जानिबा कोणर परिमाण को शून्य ठारु बड़ ओ 180 ठारु सानो वास्तव संख्या बोली स्वीकार कले लब्ध परिमाण को कोणर डिग्री माप कहा जाए संप्रुक्त प्रोट्रैक्टर को डिग्री प्रोट्रैक्टर कहा जाए आमे जेहेतु सेथरे प्रोट्रैक्टर रे कोणर माप करि थाउ ताकु डिग्री प्रोट्रैक्टर कहा जाए एंगल ए बी सी रो परिमाण एक्स हेले एम एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एक्स डिग्री तार परिमाण डिग्री एक करे लेखा जाए कोणर परिमाण को एक डिग्री हेउची 60 मिनट एक मिनट हेउची 60 सेकेंड एहाकु संकेत रे एही भली लेखा जाए एक डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एक मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड कोणर परिमाण को शून्य रु बड़ ओ पाई रु सानो बोली स्वीकार कले लब्ध परिमाण को रेडियन माप कहा जाए पिला माने तुमे पाई विषय रे आगरु जानिनो पाई हेउची एक अपरिमेय संख्या जार आसन्न मान 3.1415 एहाकु आमे साधारणत 22/7 नै थाउ एहाकु भाग कले एहार आसन मान 3.1415 हुए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री कोण समद्विखंडक बा एंगल बाइसेक्टर एंगल ए बी सी रो अंतरदेश रे पी बिंदु अवस्थित हेले एम एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एम एंगल ए बी पी प्लस एम एंगल पी बी सी हुए देख पिला माने एहा हुची ए बी सी कोण ए एंगल ए बी सी रो अंतरदेश रे पी एको बिंदु अवस्थित बी आउ पी रश्मि को जोग कले एहा दुईटी कोण रे भाग हुए एंगल ए बी पी ओ एंगल पी बी सी एही
होल कोण रो बा एंगल ए बी सी रो परिमाण इक्वल्स टू एंगल ए बी पी रो परिमाण प्लस एंगल पी बी सी रो परिमाण हुए। जदि एंगल ए बी सी रो अंतर्देश रे पी एक बिंदु एवं एम एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एम एंगल पी बी सी हुए तेबे एही बी पी रश्मि को एंगल ए बी सी रो समद्विखंडक कहा जाए। एठारे एम एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एम एंगल पी बी सी इक्वल्स टू हाफ एंगल ए बी सी हुए बा आमे आकु कही परिबा ए बी पी पी बी सी रो परिमाण समान हुए ओ एहा एंगल ए बी सी रो परिमाण रो अर्धेक हुए। बर्तमान आमे विभिन्न प्रकार कोण बा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स विषय रे पढ़िबा। पिला माने परिमाण भेद रे कोण तीन प्रकार रो सूक्ष्म कोण सम कोण ओ स्थूल कोण। देखो पिला माने एही कोण टी 90 डिग्री रु कम देखाउची एहा को सूक्ष्म कोण कहा जाए। देखिलो पिला माने एही कोण टी किभली देखा जाउची एही कोण टी 90 डिग्री सह समान देखाउचे एहाकु समकोण कुहा जाय। एही कोणटी देखिलो पिला माने एहा किभली देखाउचे देखिलो पिला माने एही कोणटी निश्चय 90 डिग्री रु अधिक बळी देखा जाउचे एही कोणकु स्थूल कोण कुहा जाय। जेउ कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम ताहाकु सूक्ष्म कोण बा एक्यूट एंगल कुहा जाय। जेउ कोणर परिमाण 90 डिग्री सह समान ताकु समकोण बा राइट एंगल कहा जाए। जेउ कोणर परिमाण 90 डिग्री रु अधिक ओ 180 डिग्री रु कम ताहाकु स्थूल कोण बा ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाए। वर्तमान आमे दुईटी कोण मध्यरे संपर्क को पढ़िबा। दुईटी कोणर परिमाण समष्टि 90 डिग्री हेले सेमानंकु अनुपूरक कोण कहा जाए। गोटे कोणर परिमाण एक्स डिग्री हेले ताहार अनुपूरक कोणर परिमाण 90 माइनस एक्स डिग्री हेबो। ताहले पिला माने जदि 30 डिग्री परिमाण विशिष्ट कोणर अनुपूरक कोण कहिबो तुम माने कोण करिबो 90 माइनस 30 डिग्री केते हेला 60 डिग्री। ताहले 30 डिग्री परिमाण विशिष्ट कोणर अनुपूरक कोण 60 डिग्री हेबो। सेहीपरि दुईटी कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हेले सेमानंकु परस्पर परिपूरक कोण कहा जाए। गोटे कोणर परिमाण एक्स डिग्री हेले ताहार परिपूरक कोणर परिमाण 180 माइनस एक्स डिग्री हेब। सेहीपरि 135 डिग्री परिमाण विशिष्ट कोणर परिपूरक कोणर परिमाण कोण करिवो पिला माने 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। ताहाले 135 डिग्री परिमाण विशिष्ट कोणर परिपूरक कोणर परिमाण 45 डिग्री हेबो। मने रख पिला माने केवल सूक्ष्म कोणर अनुपूरक कोण थाए मात्र प्रत्येक कोणर परिपूरक कोण थाए। वर्तमान आमे पिला माने अनुपूरक और परिपूरक कोण को जानिया पई एक प्रश्नर समाधान करिबा। प्रश्नटी हेला गोटे कोणर परिमाण ताहार अनुपूरक कोणर परिमाण सह समान हेले कोणटर परिमाण केते आमे समाधान करिबा। प्रथमे आमे मने कर कोणटर परिमाण एक्स नबा। ताहाले एहार अनुपूरक कोणर परिमाण केते हेबो पिला माने एहार अनुपूरक कोणर परिमाण केते हेबो 90 माइनस एक्स डिग्री। पिला माने प्रश्न रे कोण देछि गोटिए कोणर परिमाण तार अनुपूरक कोणर परिमाण सह सम्मान। ताहाले प्रश्न अनुसारे एक्स इक्वल्स टू
90 माइनस एक्स डिग्री हम एक्स डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिग्री हम बर्तमान आम यह समाधान करवा एम्प्लाइज एक्स डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री बर्तमान एक्स माइनस अच्छी एपट को सामान चिन्ह एपट को आने ये प्लस एक्स हो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री ताले 2x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू एक्स डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री हरण 2 वर्तमान केते हला 90 डिग्री हरण 2 45 डिग्री ताहाले पिला माने कोणटर परिमाण केते 45 डिग्री देयरफॉर इक्वल्स टू 45 डिग्री बुझिलो पिला माने बर्तमान आम केते गुड़िए प्रश्नर आलोचना करिबा देख पिला माने प्रथम प्रश्नटी हला शून्य स्थान पूरण कर प्रथम प्रश्न ए हला गोटे कोणर बाहुद्वयर डैश छेदबिंदु अच्छी कहिल पिला माने कोण बाहुद्वयर केतोटी छेदबिंदु अच्छी ठीक कहिल एकटी वर्तमान बी गोटे कोणर बाहुद्वयर छेदबिंदु को कोणर डैश बिंदु कहुए कहिल पिला माने की बिंदु कहुए ठीक कहिल शीर्ष बिंदु वर्तमान सी पाई रेडियन इक्वल्स टू डैश डिग्री कहिल पिला माने पाई रेडियन केते डिग्री ठीक कहिल पाई रेडियन 180 डिग्री वर्तमान डी एक डिग्री केते मिनट एक डिग्री केते मिनट कहिल एक डिग्री होची 60 मिनट वर्तमान ई एक मिनट केते सेकेंड कहिल पिला माने एक मिनट केते सेकेंड एक मिनट होची 60 सेकेंड वर्तमान एफ पाई रो आसन मान केते कहिल पिला माने पाई रो आसन मान केते ठीक कहिल पाई रो आसन मान होची 3.1415 वर्तमान दुई नंबर प्रश्न 42 डिग्री परिमाण विशिष्ट कोणर अनुपूरक कोणर परिमाण केते कहिल पिला माने अनुपूरक कोण किपरि निर्णय करिवो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री केते हेबो ठीक कहिल 48 डिग्री वर्तमान तृतीय प्रश्न केउं कोणटीर परिपूरक कोण से निजे कहिल पिला माने केउं कोणटीर परिपूरक कोण से निजे ठीक कहिल 90 डिग्री वर्तमान चतुर्थ प्रश्न 127 डिग्री कोणर परिपूरक कोणर परिमाण की प्रकार कोण हेबो पिला माने आमे प्रथमे 127 डिग्री कोणर परिपूरक कोण निर्णय करिबा एहा किपरि निर्णय करिबा 180 माइनस 127 डिग्री केते आसिला पिला माने एहा आसिला 53 डिग्री 53 डिग्री की प्रकार कोण हेबो कहिल ठीक कहिल एहा हेबो सूक्ष्म कोण
वर्तमान पंचम प्रश्न एम एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 58 डिग्री क्यू एस रश्मि एंगेल पी क्यू आर र समदिखंडक हेले एम एंगेल एस क्यू आर र परिमाण केते हेबो कहिलो पिला माने एंगेल पी क्यू आर र परिमाण हला 58 डिग्री क्यू एस समदिखंडक ताहाले एंगेल एस क्यू आर केते हेबो एहा एंगेल पी क्यू आर र अर्धेक हेबो 58 र अर्धा केते 58 ऋण 2 केते आसला पिला माने एहा आसला 29 डिग्री ताहाले आज आम कौन सीखिले आज आम कोण कोणर अंतर्देश कोणर बहिर्देश कोणर माप कोण समदिखंडक आउ विभिन्न प्रकार कोण संपर्क रे आलोचना कले ताहाले आज पे एतिकी बाय बाय।